नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क से हूं और आज मैं हमारे होने वाली महामहिम द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर रहीं और आज भारतवर्ष के राष्ट्रपति होने जा रही हैं, उनके आवास पे मैं हूं। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूं, ऊपर मेरा गाँव से चलकर आज उस रायसीना हिल्स जिसको हम बोलते हैं जहां राष्ट्रपति भवन है, तो ऊपर बेरा गांव से चलकर रायसीना हिल्स तक की यात्रा बहुत जर्नी ये रही होगी, बहुत कष्टप्रद भी रही होगी, बहुत आनंददायक भी रही होगी। तो इस ऊपर बेरा गांव से रायसीना हिल्स तक की जर्नी में आज हम चलते चलते पहुँचे हैं रायरंगपुर की, जहाँ पर हमारे होने वाली महामहिम राष्ट्रपति जी का आवास है। तो ये आवास में मैं एक चीज़ पे आपको नोटिस कराना चाहूँगा कि आज हमारे बीच उनके भाई तरणी सिंह टुड्डू और चूरामणि टुड्डू, जिनकी बुआ राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और जिनकी बड़ी बहन राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि हमारे बीच लक्ष्मी बैठी है तो बात उससे होनी चाहिए। तो मैं चूरामणि टुड्डू से पूछना चाहूँगा कि आपकी बुआ राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, आपको ये सूचना कभी किसी ने दिया? नहीं। ऐसे मालूम कैसे पता चला आपको? कि बोल रहे थे। कैसे बताया आपको किसी ने बताया कि राष्ट्रपति बनने जा रही हैं आपकी बुआ? मेरे पापा। पापा ने बताया। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी बुआ जब राष्ट्रपति बन जाएंगी इस भारत की, तो आप उनके पास जाएंगी? हाँ। आप अपनी बुआ से बच्चों लोगों के लिए क्या करना चाहिए, बुआ से क्या कहेंगे आप? पढ़ाई। बच्चे लोगों के लिए अच्छा स्कूल हो, बच्चे लोगों के लिए हॉस्टल हो, बच्चे लोगों के लिए अच्छे अच्छे सरकार जो खाना खिलाती है स्कूलों में, वो सारी व्यवस्थाएँ हो, ये सब कहना चाहिएगा। बुआ को बधाई कैसे दीजिएगा? राष्ट्रपति वो तो बनने जा रही हैं, तो अपने शब्दों में बुआ को आप बधाई दीजिए कि बुआ हमारी राष्ट्रपति बनने जा रही हो, आपको बहुत बहुत बधाई। आप कैसे बोलेंगी अपनी भाषा में? बोली आप बता दीजिए इनको कैसे बोलेंगी। बोली कैसे बुआ को धन्यवाद दीजिए या बधाई दीजिए बुआ को, जैसे कहते हैं ना, तो कैसे आप बोलेंगी बुआ को, बधाई कैसे देंगी? धन्यवाद। अपने भाषा में थोड़ा तेज बोलो बेटा। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, चूरामणि टुड्डू एक प्यारी सी बच्ची जो हमारे राष्ट्रपति भवन में हमारी महामहिम की भतीजी है, इनकी बुआ राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और इन्होंने अपने भाषा में धन्यवाद बोला। तो मैं तरणी सिंह टुड्डू जी से ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति बनने से पहले और राष्ट्रपति बनने के बाद जो होने वाला है इस देश में, क्योंकि इस देश में पहली बार इस देश में वो होने जा रहा है कि एक आदिवासी संथाल महिला राष्ट्रपति बनेंगी और वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। तो अपने यहाँ पर मैं इनकी क्या उनके प्रति भावना रही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनके साथ रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कुछ शब्द अपने उनके बारे में बताएँ। तो राष्ट्रपति बनने के बाद हम लोग तो चाहेंगे भी जितना किया है काम फिर और भी अच्छा करे करके, बस वही हम लोग चाहते हैं कि सब आदमी जैसा आपको भला चाहेगा, फिर याद रहेगा जैसा वैसा काम करके जाओ करके हम लोग चाहेंगे। देखिए, कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि ऐसा काम करके जाइए कि दुनिया याद रखे, ऐसा काम करके जाइए कि जिससे संसार में एक मिसाल कायम हो जाए। तो इनका कहना है कि मैं वैसा कहूँगी अपनी दीदी से, कि कहूँगा अपनी दीदी से कि जिससे एक मिसाल कायम करें, एक वैसा काम हो। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा आज खास, कि एक यहाँ पर कैलेंडर लगा हुआ है और उस कैलेंडर के बारे में आपको देखते ही पता चल जाता होगा कि ये भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जब वो झारखंड की गवर्नर बनी तो ये सर्टिफिकेट उनको प्रदान किया गया। अब ये सर्टिफिकेट देने की वो खुद अधिकारी बनने जा रही हैं और ऐसी सर्टिफिकेट वो देश के बनते हुए या जो बनेंगे सारे राज्यपालों को जारी करेंगी। वो कितनी गौरव की बात है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे देश में, हमारे यहाँ पर एक ऐसी महिला, एक ऐसी व्यक्तित्व राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, एक ऐसे व्यक्ति को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है कि जो समाज के साथ जुड़कर, महिलाओं के साथ जुड़कर, बच्चियों के साथ जुड़कर और युवाओं के साथ जुड़ करके
इस राष्ट्र के और देश के विकास में बहुत योगदान दिया है। तो हम सबों का ये उनके साथ एक धन्यवाद है और उनके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह हो और वो शपथ लें और देश के राष्ट्रपति के तौर पर वो सुशोभित हों। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके राष्ट्रपति बनने से राष्ट्रपति की चेयर सुशोभित हो जाएगी, उनके राष्ट्रपति बनने से राष्ट्रपति की महिमा सुशोभित हो जाएगी। इन सब बातों के साथ डॉक्टर अनुज रायरंगपुर, इंडिया टीवी ऑनलाइन, इन टीवी मीडिया नेटवर्क, धन्यवाद।